हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बी इंडियन स्पाइसेस। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो भिंडी। मैंगो भिंडी की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है मैंगो वाली भिंडी, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और मैं इस रेसिपी को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ कि आपकी भिंडी अगर आप इस तरह से बनाएंगे जो मैं बताने वाली हूँ, तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगी और बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगी। तो आप वीडियो को एंड तक के देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम भिंडी को चॉप करके ले लेंगे और आलू को भी हम चॉप कर लेंगे। फिर हम लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सरसों। जीरा और सरसों डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे लंबी कटी हुई प्याज, और प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्ची। प्याज को हमें अच्छे से सौते करना है जब तक कि ये हल्की सी पिंक गोल्डन कलर की नहीं हो जाती इस तरह से। फिर हम इसमें डाल देंगे पोटैटो जो हमने चॉप करके रखे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो को डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने काट के रखी थी, और डाल देंगे मैंगो वो हमने काट के रख लिए थे, मैंगो भी कटे वाले, कच्चा मैंगो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो से ये भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ये वाली रेसिपी आप अपने घर में ट्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ढक करके इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तो इसे ऐसे ही खुला रख के पकाना है, और इसमें नमक भी नहीं डालना है अभी आपको। हम अगर ढक कर पका देते हैं और नमक पहले ही डाल देते हैं, हमारी भिंडी स्टिकी हो जाती है, इसलिए हमें नमक भी नहीं डालना है, इसे ढक कर भी नहीं पकाना है। ये देखिए, अब इस तरह की हो गई है, बस हमें इस तरह की करना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे लास्ट में, इसे हमें अभी ही नमक डालना है, पहले नहीं डालना है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी भिंडी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगी। नमक पहले नहीं डालना है, नमक पहले डालने से स्टिकी हो जाती है। तो फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, और फिर हम इसे ढककर पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6-7 मिनट आप इसे ढककर पका लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हो चुकी है बिल्कुल, 6-7 मिनट हो गया है। अभी हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है, कितनी खिली खिली हमारी भिंडी बनी है, बहुत ही। फ्रेंड्स, हमें इतना ही इसे पकाना है। ये देखिए, इतनी अच्छी हमारी भिंडी बनी है, मस्त खिली खिली, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं इसके। ये देखिए, इसी तरह से बस हमें पकाना है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेट में सर्व कर लिया है हमने। और फ्रेंड्स, अगर आप सैलड खाना पसंद करते हैं तो सैलड रख दीजिए, ऑनियन खाना पसंद करते हैं तो अनियंस रख दिए। ये देखिए, मैंने अनियंस के साथ इसको गार्निश कर दिया है। बस हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर आप इसे अपने घर में ट्राई करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।